हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और फ्रेंड आज मैं बात करने वाला हूँ ओला के लेटेस्ट स्कूटर के बारे में, जो कि काफ़ी टाइम बाद जो है फाइनली ओला ने जो है वो ऑफिशियली टीज कर दिया है। फ्रेंड मैं बात करने वाला कि फ्रेंड जो ओला का लेटेस्ट स्कूटर है फ्रेंड, इसके अंदर किस तरह के स्पेसिफिकेशन एंड क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड मैं बात करने वाला उसके लॉन्च डेट के बारे में भी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो ओला इलेक्ट्रिक है उसने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो टीजर है वो टीज कर दिया है, जिसके अंदर ओला का फर्स्ट स्कूटर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड जो ओला ब्रांड है वो से कुछ ही मंथ्स के अंदर एंड ऑफिशियली जो है वो जून महीने तक इंडिया में जो है वो देखने को मिल सकता है। एंड अभी बात करने वाला उसके ड्राइविंग रेंज के बारे में। तो फ्रेंड जो ओला का फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है फ्रेंड इंडिया हमें 240 किलोमीटर की ड्राइव रेंज के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाला है। मतलब सिंगल चार्ज के अंदर जो स्कूटर है वो हमें 240 किलोमीटर की ड्राइव रेंज के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड जो उसका स्टैंडर्ड वेरिएंट या फिर जो लोअर स्पेसिफिकेशन वेरिएंट है उसके अंदर में 100 किलोमीटर की ड्राइव रेंज भी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। एंड अगर मैं ओला के फर्स्ट स्कूटर के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड फिलहाल तो जो है अभी रिवील नहीं हुए हैं। फिलहाल जो है वो कंपनी ने इसका जो टीजर है वही टीज किया है। हालांकि जो ओला का जो ई स्कूटर है वो हमें नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है, जिसका मैं इटेगो का जो ऐप स्कूटर है उसी के ऊपर जो है वो हमें ओला का स्कूटर जो है वो हमें बेस देखने को मिलेगा। उसी के जैसे फ्यूचर स्टाइलिंग एंड स्पेसिफिकेशन जो है वो हमें ओला के स्कूटर में जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। फ्रेंड और भी अगर आपको हमारे तरफ से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज या फिर ऑटो न्यूज़ के बारे में जानना हो तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमोटिव वीडियोज़ के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।